नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कुबेर पूजन की विधि। धनतेरस के दिन देवी लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी और इसीलिए धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी के साथ साथ धन की देवता कुबेर जी की भी विधि विधान से पूजा की जाती है। धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी और कुबेर की पूजा चौघड़िया मुहूर्त में करना चाहिए, यानी कि सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में स्थिर लग्न में पूजा करना अत्यधिक श्रेष्ठ बोलकर मान्यता है। आइए जान लेते हैं कुबेर पूजन के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। कुबेर जी को बिठाने के लिए एक चौकी चाहिए। चौकी के ऊपर बिछाने के लिए लाल कलर का कपड़ा चाहिए। इसके अलावा जल कलश, पंचामृत, पुरोली, मोली, लाल चंदन, हल्दी, धनिया, कमलगट्टा, दूर्वा, गंगाजल, सिंदूर, लाल फूल और माला, इत्र, मिठाई, सुपारी, लौंग, इलायची, नारियल, फल वगैरह, पंचमेवा, घी का एक दीपक, एक कुबेर का दीपक, धूप, कपूर आदि हमें लेनी है। कुबेर पूजन के लिए कुबेर जी की मूर्ति या कुबेर जी की फोटो आप ले लें, और अगर आपके पास मूर्ति या फोटो कोई भी नहीं है तो एक सुपारी में कलावा यानी कि रक्षा धागा बांध के भी आप कुबेर जी का एक स्वरूप बना सकते हैं, जिसका पूजन कुबेर पूजन के दिन कर सकते हैं। सामान की लिस्ट आपको सभी को मिल चुकी है, तो चलिए अभी पूजा का संकल्प कैसे लेना होता है वो बता दूं। कुबेर पूजन शुरू करने से पहले ही आपको संकल्प करना पड़ता है। कोई भी पूजा शुरू करने से पहले संकल्प करते हैं। हाथ में जल, फूल तथा थोड़ा सा चावल, अक्षत। चावल जब साबुत होता है तब अक्षत कहा जाता है, तो अक्षत थोड़ा सा ले ले। संकल्प में जिस दिन आप पूजा करें उस दिन, उस वर्ष, उस बार के बारे में बताएं, तिथि बताएं और उस जगह के बारे में बताएं। अपने नाम ले और अपनी इच्छा को बोले, और इस तरह से संकल्प करने के बाद अपने हाथों में लिए गए जल जमीन पे धीरे से छोड़ दे। संकल्प होने के बाद हम कुबेर की पूजा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गणपति जी को स्थापना करेंगे, और सबसे पहला पूजा गणपति जी की होती है। तो लाल कपड़े के ऊपर थोड़ा सा चावल का आसन बना के गणपति जी को स्थापन करें। उनको रोली, कुमकुम, अक्षत, सिंदूर, इत्र, दूर्वा, पुष्प, माला इत्यादि अर्पित करें और पूजा करें। धूप दीप दिखाए और गणपति जी की पूजा होने के बाद ही कोई भी भगवान का पूजा शुरू होती है। इसके बाद आपको चावल का एक आसन और बनाना है, जिसमें हम कुबेर जी की मूर्ति का स्थापना करेंगे। कुबेर जी की मूर्ति या फोटो जो भी आपके पास नहीं है तो सुपारी ले लीजिए, और सुपारी के ऊपर कलावा बांध के कुबेर जी का स्वरूप मान के उनकी पूजा कर सकते हैं। कुबेर जी और गणपति जी स्थापना होने के बाद आप हाथ में थोड़ा सा कुमकुम, चावल इत्यादि लेके कुबेर जी की भी पूजा करें। श्रद्धा भक्ति के साथ एक घी का दीप प्रज्वलित करें और दीपक का रोली, कुमकुम, अक्षत, पुष्प से पूजन करें। इसके बाद एक जल से भरा हुआ कलश स्थापन करें। कलश को भी धूप दीप रोली कुमकुम अक्षत पुष्प से पूजन करना चाहिए। आप कुबेर जी का ध्यान करते हुए अक्षत और पुष्प लेकर कुछ मंत्र, अगर आपको आह्वान मंत्र आता है तो आह्वान मंत्र से कुबेर जी को आह्वान करें। नहीं भी आता है तभी भी कुबेर जी के सामने दोनों हाथ जोड़कर अपनी मन ही मन प्रार्थना करें कि हे कुबेर भगवान, आज मैं धनतेरस के दिन आपकी पूजा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप कृपया मेरा पूजा स्वीकार करें और मेरे घर पधारें। इस तरह से भगवान को आह्वान करने के बाद भगवान के चरणों में आपको फूल और अक्षत अर्पण करना होता है। अब हमें भगवान जी को पंचामृत से स्नान करवाना होता है। अगर आपके पीतल की मूर्ति है तो कच्चा दूध से पंचामृत जो आपने बना के रखा है पंचामृत से बढ़िया से स्नान करवाए, और अगर मिट्टी की मूर्ति है या तो फिर फोटो है तो उनको फूल से थोड़ा पंचामृत का छींटा मार के स्नान का भाव करें। कुबेर जी की मूर्ति की बढ़िया तरीके से स्नान होने के बाद उनको टॉवल से अच्छे से पोंछ ले और फिर उनको पुनःस्थापन करें। वस्त्र के रूप में कलावा जरूर चढ़ाएं। अगर आपने वस्त्र लेके आए हैं तो वस्त्र चढ़ाएं, नहीं लेके आए हैं तो कलावा तथा रक्षा सूत्र वस्त्र के रूप में अर्पित कर सकते हैं। इस दिन आभूषण का भी पूजन होता है। तो आपके घर में जो भी ज्वेलरी है, आभूषण है,
हर चीज का इस दिन तिजोरी का जो भी आपके गहने और पैसे का जो भी चांदी के पैसे इस दिन खरीदा जाता है, चांदी के कॉइन्स लाया जाता है, तो पुराने जो भी कॉइन्स है सब कुबेर जी के सामने रखें और उनकी रोली, कुमकुम, अक्षत, सिंदूर, इत्र, दुर्बा, पुष्पों, माला इत्यादि से पूजा जरूर करें। अब हल्दी, धनिया, कमलगट्टा, दुर्बा इत्यादि भी कुबेर जी के सामने अर्पित करें, धूप और दीप दिखाए और इसके बाद हमें कुबेर जी को भोग लगाना है। मिठाइयाँ, पंचमेवा या गुड़ से बना हुआ कोई जो भी आपने व्यंजन बनाया होगा तो ये सारे अर्पण करें। कुछ फल वगैरह अर्पण कर सकते हैं और इसके बाद एक माला कुबेर जी के नाम से आप जप कर सकते हैं। अगर आपको कोई मंत्र आता है ठीक है, नहीं तो ओम कुबेराय नमः इस आसान मंत्र से एक माला आप जप कर सकते हैं। अंत में कुबेर जी की आरती करनी होती है। आरती के बाद पुष्पांजलि दे, पुष्पांजलि में हाथ में फूल लेके कुबेर जी की मंत्र बोलते हुए फूल अर्पण किया जाता है और धन प्राप्ति की प्रार्थना करते हुए कुबेर जी को हल्दी, धनिया, कमलगट्टा, दुर्बा इत्यादि कुबेर जी को चढ़ाया जाता है। कुबेर पोटली भी इस दिन बनाया जाता है। कुबेर पोटली कैसे बनाना होता है इसके ऊपर पूरी वीडियो अपलोडेड है, आप चेक कर सकते हैं। कुबेर जी के लिए सारे जो सामान बनाना होता है कुबेर पोटली के लिए, वो सारे सामान का 5 दिनों तक कंटिन्यूस पूजा होते हैं और उसके बाद 5 दिन के बाद उनको तिजोरी में रख दिया जाता है। कुबेर पोटली अत्यंत प्रभावशाली होते हैं, घर में धन धान्य का कभी कमी नहीं होती है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसान उपाय से और बिना पंडित जी की भी खुद भी घर पे पूजा कर सकते हैं, कुबेर जी की पूजा कर सकते हैं। पूजा के एकदम पूजा आपका जब पूजा आरती हो जाती है, पूजा खत्म हो जाती है तो उसके बाद क्षमा प्रार्थना करना बिल्कुल भी ना भूले। कोई भी पूजा में हमें क्षमा याचना जरूर करना चाहिए। हम इंसान हैं, इंसान से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती होती ही है तो क्षमा याचना करना बहुत ही जरूरी होते है। तो दोस्तों आशा करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा और सहज सरल उपाय से घर में कैसे कुबेर भगवान का पूजा कर सकते हैं इसकी विधि पूर्वक समस्त सरल नियम बताने की कोशिश किया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूले ताकि आगे आने वाली वीडियोस में आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदा दीजिए। व्रत विधि उपाय के तरफ से सभी लोगों को हैप्पी दिवाली।